आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से पिछले एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें नहीं खुली हैं। ऐसे में अगर कोई व्यापारी पैसे नहीं दे पा रहा है तो भाजपा शासित एमसीडी या तो दुकानों को सील कर रही है या उस व्यापारी से मनमानी तरीके से घूस ले रही है। ऐसे में छोटे और मझले व्यापारियों पर इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है। पहले ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए 500 से 1000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज 6000 से 15000 तक देने पड़ रहे हैं और साथ ही भाजपा उनसे 2% ट्रांजैक्शन चार्ज भी ले रही है। दुर्गेश पाठक ने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पहले जो फैक्ट्री लाइसेंस 5000 रुपए से 15000 रुपए में बन जाते थे, आज उसे बनाने और रिन्यू करने के लिए 50,000 से लगभग 1.5 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। एमसीडी फैक्ट्रियों से कूड़ा उठाने के लिए भी चार्ज लेती है, जबकि वो कूड़ा उठाते भी नहीं है। दुर्गेश पाठक ने भाजपा के नेताओं से व्यापारियों पर पेनल्टी ना लगाने और दुकान ना बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ट्रेड लाइसेंस का इतना रुपया लेना, फैक्ट्री लाइसेंस का इतना रुपया लेना, कूड़ा उठाने के लिए इतना रुपया लेना और साइन बोर्ड पर इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टी लगाना गलत है। नई दिल्ली से आरके जायसवाल की रिपोर्ट। साथियों, इस कोरोना की बीमारी से बहुत बड़े पैमाने पे जनहानि हुई है और जो दूसरा सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो पड़ी है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से लोग टूट गए हैं पूरी तरह से। पिछले एक साल से देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से ठप है। पिछले एक साल से दुकानों का ऑलमोस्ट देखा जाए तो व्यापार एक चौथाई भी, मुझे लगता है मैं ज्यादा कह रहा हूं, एक चौथाई भी नहीं बचा। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। साथियों, कुछ दिन पहले हमने मुद्दा उठाया था कि एमसीडी ने दिल्ली के निवासियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली की निवासियों के ऊपर 13 तरह के नए टैक्स लगाए हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है वो मार पड़ रही है दिल्ली के छोटे और मझोले व्यापारियों के ऊपर। साथियों, मैं एक छोटा सा आपको डेटा देना चाहूंगा कि दिल्ली में पहले ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए जो छोटे व्यापारी थे उनको ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए 500 से 1000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज 6000 से लेकर 15000 देने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ 2% ट्रांजेक्शन चार्ज भी भारतीय जनता पार्टी उनसे ले रही है। जो फैक्ट्री लाइसेंस होते थे पहले 5000 से 15000 रुपए में फैक्ट्री लाइसेंस बन जाते थे, आज वो 50000 से लगभग 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं फैक्ट्री लाइसेंस बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए। जो कूड़ा हम लोगों के घर का नहीं उठता, लेकिन एमसीडी ने एक रूल बनाया हुआ कि फैक्ट्रियों से वो कूड़ा उठाने के लिए भी चार्ज लेते हैं। अगर छोटा दुकान है तो 6000 और बड़ा दुकान है तो 50000 रुपए पर साल कूड़े का लेते हैं, जबकि कूड़ा उठाते नहीं है कभी भी। साइन बोर्ड आप देखते होंगे दुकानों के ऊपर लगा होता है, अगर उसकी साइज में 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए तो साइन बोर्ड भी उसका मनमाना रूप से उसका FIR करते हैं, मनमाने रूप से उनके ऊपर पेनल्टी करते हैं। पिछले एक साल से अगर देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से शून्य हो चुका है और ऐसी स्थिति में ट्रेड लाइसेंस का इतना रुपए लेना, फैक्ट्री लाइसेंस का इतना रुपए लेना, कूड़ा उठवाने के लिए इतना रुपए लेना और साइन बोर्ड के ऊपर इतना बड़ी बड़ी पेनाल्टी करना, मुझे लगता है कि ये गलत है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले, ऐसे में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जैसे पिछले अभी एक साल, पिछले एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें नहीं खुली हैं। ऐसे में अगर कोई व्यापारी नहीं दे पा रहा है, ये पैसे नहीं दे पा रहा है,
तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी या तो दुकान को सील कर रही है या उस व्यापारी से मनमाने तरीके से करप्शन में पैसे ले रही है।